हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। राखी आने वाला है और भाइयों के लिए कुछ मीठा बनाना है, तो चलिए आज बनाइए मेरे तरीके से, बहुत ही टेस्टी और एकदम आसान तरीके से चॉकलेट लड्डू। बनाना बहुत आसान है दोस्तों, ये झटपट बनके तैयार हो जाता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी कटोरी मूंगफली, एक चम्मच बादाम, एक चम्मच काजू, इन सारे चीजों को लो फ्लेम में 7-8 मिनट सोंधा होने तक भून लेंगे। आप इस लड्डू को सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम से भी बना सकते हैं, वैसे मूंगफली डालकर बनाने से भी ये लड्डू टेस्टी बनता है। काजू, बादाम और आलमंड भूनते लगभग 9-10 मिनट हो गया है और ये अच्छे से भून गया है। और ये देखिए, मूंगफली का सारा दाना चटक गया है। अब गैस ऑफ कर देंगे और इन सारी चीजों को एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, सारी चीजें अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसका दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। आप चाहें तो मूंगफली से छिलका हटा सकते हैं, हम इसे छिलका के साथ ही बना रहे हैं। छिलका के साथ भी बनाइएगा तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसका दरदरा पाउडर तैयार करेंगे, ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। हल्का दरदरा पाउडर तैयार है। अब इसमें डालेंगे एक छोटा पैकेट ओरियो बिस्किट, इसे तोड़कर डालेंगे, इसे डाल देंगे और बिस्किट क्रीम के साथ ही डालेंगे। आप बिस्किट कोई सा भी ले सकते हैं अपने पसंद का, किसी भी बिस्किट से ये लड्डू टेस्टी बनेगा। अब इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। हल्का दरदरा पाउडर बनके तैयार हो गया है, बिस्किट भी अच्छे से पीस गया है और ये देखिए हल्का बंधा बंधा सा लग रहा है, इसमें क्रीम डालने की वजह से ये बंधा बंधा सा पीस कर तैयार हुआ है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस पाउडर से इतना अच्छा सोंधा सोंधा खुशबू आ रहा है दोस्तों कि क्या बताएं, पूरा किचन इसके खुशबू से भरा हुआ है। इसमें ढक्कन लगाएंगे और साइड में रखेंगे। आज हम चॉकलेट लड्डू बना रहे हैं, लड्डू बोलिए या बॉल बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो एक बड़े साइज का चॉकलेट ले लिए हैं डेरी मिल्क, इसे हमें मेल्ट करके लेना है। तो मेल्ट करना बहुत आसान तरीके से आज हम बता रहे हैं दोस्तों। वैसे तो इसे कोई भी बर्तन में निकाल कर गर्म पानी नीचे रख के फिर मेल्ट किया जाता है, आज बहुत आसान तरीके से चॉकलेट मेल्ट करना आपको दिखाएंगे। एक बड़े साइज के बर्तन में पानी गर्म कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये चॉकलेट का पैकेट। दोनों साइड से पलट पलट कर मेल्ट हो जाए इतना देर इसे पानी में रख लेंगे। ये बहुत आसान तरीका है चॉकलेट मेल्ट करने का। 4-5 मिनट गर्म पानी में चॉकलेट रखने के बाद मेल्ट हो गया है। इस तरह से टच करने के बाद ये पता लग रहा है कि ये मेल्ट हो गया है। अब चॉकलेट निकाल लेंगे और इसी गर्म पानी में कोई भी एक बर्तन रख देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि कांच का ही हो। बर्तन इस तरह से गर्म पानी में रखने से बर्तन गर्म रहेगा तो चॉकलेट देर तक मेल्ट रहेगा। अब चॉकलेट का पैकेट खोल लेंगे और इसे इस बर्तन में निकाल लेंगे। बहुत आसान तरीका है इस तरह से चॉकलेट निकालने का। इस तरह से दबा दबा कर सारा चॉकलेट निकाल देंगे। चॉकलेट में डालेंगे एक टेबल स्पून बटर, बटर की जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से चॉकलेट में साइन आएगा। बटर और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मेल्ट किया हुआ चॉकलेट डालेंगे इस मिक्सचर में, तो चॉकलेट इतना डालना है कि इसका डो जैसा तैयार हो जाए। ज्यादा चॉकलेट एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा चॉकलेट मिक्स करेंगे और इस तरह से मिलाएंगे। आप चाहें तो 1-2 चम्मच इसमें फ्रेश मलाई भी ले सकते हैं, जो दूध के ऊपर गर्म करने के बाद आता है, ठंडा कर लीजिए और उसे इसमें डाल दीजिए। मिक्सचर अभी हल्का सा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा चॉकलेट और ले लेंगे। मिक्सचर डो के जैसा तैयार हो गया है। अब इसका छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। साइज अब अपने पसंद से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरह से दबाकर पहले गोल कर लेंगे।
उसके बाद हथेली पे रखेंगे और इस तरह से गोल घुमाकर लड्डू के जैसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत टेस्टी और झटपट बनके तैयार हो जाने वाला ये रेसिपी है दोस्तों, आप भी इस राखी पे बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत झटपट बनके तैयार हो जाता है और टेस्टी इतना कि घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारा बॉल बना लिए हैं, अब इसे 10 मिनट फ्रिज में रख देंगे। लड्डू फ्रिज में रखे 10-12 मिनट हो गया है और ये अच्छे से सेट हो गया है। आप लड्डू ऐसे ही खा सकते हैं, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए, ऐसे ही टेस्टी लगेगा। हम बना रहे हैं राखी स्पेशल मिठाई, तो इसे और ज्यादा टेस्टी और ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। ये है बचा हुआ चॉकलेट, पानी एक बार फिर से गर्म कर लिए हैं, चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गया है। और एक प्लेट में घी या बटर लगाकर चिकना कर लीजिएगा। लड्डू उठाएंगे और इसे चॉकलेट में डिप कर लेंगे, अच्छे से लड्डू पे चॉकलेट कोट कर लेंगे। और ये देखिए और इसे इस प्लेट में रखेंगे जिसे अभी घी लगाकर चिकना किए हैं, और जहां जहां चॉकलेट नहीं लगा है वहां पे अच्छे से लगा लेंगे। बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये टेस्टी सा और एकदम यूनिक रेसिपी कैसा लगा। सारा बॉल चॉकलेट में डिप करके निकाल लिए हैं, अब इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, देखने में सुंदर लगेगा। अब एक बार फिर से 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। लड्डू फ्रिज में रखे 10-15 मिनट हो गया है, लड्डू देखिए चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है, ये बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है। अब लड्डू निकाल लेंगे, 2-3 मिनट फ्रिज से बाहर निकालने के बाद ये अपने से मेल्ट हो जाएगा नीचे से, तो आसानी से निकल जाएगा। और अगर आपको जल्दी से निकालना है तो इस तरह से चाकू की हेल्प से निकाल लीजिएगा। ये देखिए आसानी से निकल गया। आप चॉकलेट को एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दीजिए और आप इसे लंबे समय तक खाइए, लड्डू जल्दी खराब नहीं होगा। अंदर ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है, ऊपर से चॉकलेट है, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक लड्डू काट कर देखेंगे, ये देखिए दोस्तों बहुत टेस्टी लड्डू बनके तैयार है, आप भी इस तरीके से जरूर बनाइएगा।